हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू हेड गर्ल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। या कि मुझे एक्चुअली दो वीडियो में आई थिंक रिक्वेस्ट हुआ था, यू कैन सी हियर, कि दी रेनबो मेकअप करो, दी रेनबो मेकअप करो। तो मैंने सोचा एक फाइनली कर ही देते हैं। तो या तो मैंने ये लुक क्रिएट किया। एक्चुअली रेनबो मेकअप बहुत टाइप का हो सकता है, मतलब क्योंकि विबग्योर सब किसी भी तरह से प्ले कर सकते हो, चाहे वो सीधे पैटर्न में हो, चाहे उल्टे पैटर्न में हो, चाहे रैंडम हो, तो सब रेनबो मेकअप ही होता है। मैं ऑलरेडी एक रेनबो मेकअप कर चुकी हूँ, उसका पिक्चर मैं यहीं के इंसर्ट कर दूंगी। तो या तो वो मैंने एक्चुअली आई थिंक इंस्टाग्राम पे या फिर ट्रेल, ये दोनों जगह पे मैंने डाला था, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए, तो इसलिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। इसमें विबग्योर मैंने ऐसे डाला है, विबग्योर ऐसे जा रहा है, मतलब वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड देन ऑरेंज रेड, इस तरह से जा रहा है। तो या अगर आपको जानना है कि लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, वीडियो एंड तक देखेगा। ऑल्सो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइजेज या फिर आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मेरे डैड बाहर टीवी देख रहे हैं एंड आई कैंट टेल हिम टू लोअर द वॉल्यूम। सो जस्ट इग्नोर दैट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस आवाज़ को कम कर सकूँ। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, फिर मेरा और भी वीडियोस देखेगा, फिर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा प्लीज़। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आएगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा सभी वीडियोज़ के बारे में टिंग टिंग नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे वीडियोज़ मिस ना करो। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया मैं ऑलरेडी एक मेकअप वहाँ पर क्रिएट कर चुकी हूँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ सीरीज़ होते रहता है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल में यही डालूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। ऑल्सो अगर आपको सिर्फ आई लुक सीखना है, तो आप मुझे ट्रेल पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ कोशिश करती हूँ। अभी कुछ दिन से नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब था, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं डाल रही थी कुछ, बट अभी मैं वापस कंटिन्यू करने वाली हूँ। ट्रेल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप मुझे वहाँ जाके देख सकें, मुझे आप फॉलो भी कर लीजिएगा। So yeah, without any further ado, let's get into the video. तो आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करने वाली हूँ, मार्स का आई शेडो पैलेट है, यानी बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है, इसलिए सबसे पहले आईज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अपने आईज़ को कंसील कर लिया है एंड आईब्रो भी कर लिया है अपना, तो इसलिए मैं फेस अजीब दिख रहा होगा। तो लेट्स गेट अप क्लोज एंड पर्सनल। इसमें ये जो येलो वाला शेड है, इनर कॉर्नर प्लेस करूँगी। कैमरा पे पता नहीं इतना पिगमेंटेड नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो हो गया, मैं इसे ब्लेंड करूँगी इसे। तो फॉर ब्लू मैं अपना SFR का पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, ये है SFR Obsessions। नेक्स्ट फॉर इंडिगो कलर, आप देख सकते हो पैच ही दिख रहा है, पता नहीं ऑन स्क्रीन इतना पैच ही क्यों दिख रहा है। नेक्स्ट आते पर्पल पे, तो पर्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला जो शेड है मैं भी लोअर लैश से दूसरे कलर्स फिल करूंगी, बट उसके लिए मैं दूसरा आईज करती हूँ उसके बाद फेस मेकअप करने के बाद, क्योंकि लोअर लैश के लिए मेरे को फेस मेकअप करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट स्केयर्ड ये मेरा पूरा मेकअप रुइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं फेस मेकअप के ऊपर, तो सबसे पहले मैं यूज़ करने हैं फाउंडेशन, तो उसके मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन, मेरा शेड नंबर 1 है, नाम मुझे नहीं पता, मैं सभी चीज़ों के लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू डू चेक दैट आउट। पहले मैं फेस पे डॉट अप करूँगी एंड देन बफिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। एक कंसीलर लूँगी, कंसीलर के मैं वापस ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड यही कंसीलर मैं अपने आईलेट्स पे भी यूज़ किया था।
नेक्स्ट पाउडर सेट करूँगी। पाउडर में यूज़ करने वाली वापस ब्लू हेवन का बी माई सेल्फ सेटिंग कॉम्प्रेस पाउडर। ऑलरेडी एक कर चुकी, मुझे याद ही नहीं था मैं फिल्म नहीं, मैंने रिकॉर्ड बटन ही ऑन नहीं किया था। वापस उसी येलो शेड को लेके पैटर्न करूँगी, फिर से लोअर लैश लाइन पे भी लेके जाऊँगी। नेक्स्ट येलो के बाद आते हैं ऑरेंज पे। टू कॉन्टोर, तो कॉन्टोर के लिए वापस मार्स का कॉन्टोर पैलेट यूज़ करने वाली हूँ एंड लास्ट का ये दो शेड यूज़ करूँगी जिसे मैंने पैन हिट कर दिया है। ब्लू हेवन का ब्लश, डायमंड ब्लश, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत लाइटली पिगमेंटेड ब्लश है। नेक्स्ट मैं फेस को सेट करने वाली हूँ हाईलाइट करने से पहले, क्योंकि फेस सेट करने के बाद हाईलाइट बहुत ज़्यादा पॉपअप होता है, अभी आपको दिख जाएगा। तो मैं पहले फेस सेट करूँगी, उसके लिए यूज़ करने वाली मेरा प्लम का सेटिंग स्प्रे। हाईलाइट में यूज़ करने वाले स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर, सारा शेड को मिक्स करूंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट लिपस्टिक पे आते हैं, क्योंकि मेरा आई मेकअप इतना ज़्यादा हैवी है तो लिपस्टिक के लिए बहुत न्यूड कलर यूज़ करने वाली हूँ एंड दैट इज़ एन वाई बेकल लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड पेपी पियर्सन। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। सी यस गाइस, दैट वाज द फुल वीडियो, इस तरह से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल और अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है या फिर अगर आप मेरा और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को, इस चैनल को रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसे हिट कर दीजिएगा, उसे ग्रे करिए, रेड क्यों छोड़े हैं तो उसे प्लीज़ हिट कर दीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मैं आगे ताकि आप मेरे वीडियोस कभी मिस ना करो, आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम में मिल सके। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे कुछ मेकअप बताते रहते हैं, जिसमें मैंने बताया कि ये इसके अपार्ट मैंने एक और इनबो मेकअप क्रिएट किया था जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल मैं यहीं डाल दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑल्सो अगर कुछ फीडबैक या फिर कुछ रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, और या तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हैंडल यहीं कहीं होगा। सो अगर आपको इन पर्टिकुलर सिर्फ आई मेकअप सीखना है तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। और सो मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या मेंशन कर दूंगी उसको, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।